अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अलीना, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हम मार्केट गए थे और वापस में मैंने वीडियो बनाई है। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, मौसम अच्छा नहीं था, बारिश थी, सुबह के टाइम बारिश हुई थी, अभी रुकी हुई थी, तो बच्चों को घर पर छोड़ के गए थे ताकि सर्दी नहीं लग जाए। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, 2 या 3 का टेम्परेचर था जब हम गए थे, तो इतनी सर्दी में शॉपिंग का भी मज़ा नहीं आता, तो बोर ही हो रही थी मैं बच्चों के बिना। टेंशन थी दिल में कि घर में पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर नए हैं, अभी मुझे 4 या 4.5 माह हुए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए। पहले हम दूसरे सिटी में थे, तो अभी मुझे रोड्स का और यहाँ की मार्केट कहाँ है, बैंक वगैरह कुछ पता नहीं है, तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाती, हस्बैंड के साथ जाती हूँ। और फिर भी मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कहाँ से गए और कहाँ से आए। तो मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ये वीडियो बनाई थी, तो बाद में मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। रास्ते में मैं बच्चों के बारे में ही सोचती रही हूँ। वैसे माओ की भी क्या ज़िंदगी है, जहाँ पर भी हूँ बच्चों की तरफ ही ध्यान होता है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाया होगा नहीं। मैं 2 घंटे के लिए गई हूँ और इतनी परेशान हो गई थी कि जब से हम यहाँ पर आए हैं फर्स्ट टाइम ही मैं बच्चों को छोड़ के गई हूँ, साथ नहीं लेके गई, तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती रही। फिर मुझे अपनी मम्मा का ख्याल आया कि वो भी तो सोचती होंगी मेरी बेटी क्या कर रही होगी, ससुराल में कैसी होगी। तो अजीब अल्लाह ताला की नेमत भी है, अजीब तख्लीक है, माँ बहुत बड़ी नेमत है जिनके सर पे माँ का साया है। जब मायके में जाते हैं जो खुशी माँ को होती है वो किसी को नहीं होती, वो एक दिन में सोचती है उसका दिल होता है कि मैं सब कुछ आज ही अपनी बेटी को खिला दूँ, उसी की पसंद की चीज़ें बनेंगी, उसी के बारे में ही सोचेगी। तो माँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी होती है, और जो माँ बन चुकी हैं वो इस फीलिंग को समझती हैं। ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी नेमत है जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजता है, कि मतलब जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है औलाद की परवरिश करना, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना, और एहसास भी बहुत प्यारा है। बस ये भी एक नेमत है, अल्लाह ताला सबको ये नेमत अता करे, आमीन। और जिनकी माँ जिंदा है उनकी उम्र लंबी करे, और जो इस दुनिया से पर्दा कर गई चली गई हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। मैं जब भी अपनी मामा के घर जाती हूँ, अगर उन्हें पता हो कि मैं आ रही हूँ, तो पहले दिन से मेरी फेवरेट चीज़ बनेगी। उन्हें पता है मुझे ज़रदा बहुत पसंद है, तो वो ज़रदा ज़रूर बनाएंगे फर्स्ट डे। पर मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, उनको बता के नहीं जाती, सरप्राइज़ देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने कोई तैयारी ना की हो, कुछ भी नहीं, बस रिलैक्स हो, और एकदम ही मैं पहुँच जाती हूँ, तो वो कहते हैं बता के क्यों नहीं आती, फिर जो मुझे पसंद है वो बनेगा, जो मेरी बेटियों को पसंद है वो बनेगा। तो वारी वारी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा भी लगता है। जो मायके में 4-5 दिन गुजरते हैं वो एक किस्म से बंदा रिस्टार्ट हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। जा रही हूँ इंशाल्लाह अपने मायके, तो उन्हीं के मामा और बाकी सब के बारे में ही सोच रही थी। अब 2 माह के बाद जा रही हूँ, तो ऐसा लगता है पता नहीं 6 माह हो गए हैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, और जो घर में सामान चाहिए था वो सारा लेके आई हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को सब कुछ ना तैयार मिले, वो अकेले रहेंगे अब हमारे बिना 10-12 दिन। इंशाल्लाह कल रास्ते में भी वीडियो बनाऊंगी और आपको रास्ते में भी दिखाऊंगी, बहुत प्यारी सीनरी आती है, वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह।